अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बॉयल राइस की रेसिपी। उसके लिए मैं यहाँ पे 3 पाव राइस यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने आधे घंटे के लिए अच्छे से धो के भिगो के रख दिया है। इसमें हम खुला पानी यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इसमें एक बड़ा जग और एक छोटा जग पानी यूज़ करूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें नमक यूज़ होगा। जब तक चावल को हमने भिगो के रखा हुआ है, उसके लिए पहले हम पानी एक पतीले में ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। मैंने एक बड़ा जग और एक छोटा जग पानी इसमें यूज़ किया है। मुझे इसमें पानी कम लग रहा है, इसके अंदर मैं एक छोटा जग पानी और यूज़ करूँगी और अब मैं इसे कवर अप करके बॉयल होने के लिए रख दूंगी। 25 मिनट के बाद पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। इसे मैंने आधा घंटा भिगोया था, इसका पानी मैंने फेंक दिया है। राइस मैंने इसके अंदर सारे ऐड कर दिए हैं, ये देखें। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। मैं इसे कवर अप नहीं करूंगी और साथ साथ हम इसका ख्याल भी रखेंगे। पानी में ऐड करने के बाद राइस को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। ये बन के तैयार है। अब मैं इसका पानी फेंक दूंगी। छलनी में मैंने अच्छे से चावलों को छान लिया है, इसका मैंने सारा पानी फेंक दिया है। अब इसे अगेन मैं उसी बर्तन में शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने पतीले में डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, 1 बड़ा चम्मच। ऑयल ऐड करने के बाद इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पतीले के नीचे मैंने तवा रख दिया है, तवे को हमने गर्म कर लिया। अब हम इसके नीचे लो फ्लेम कर देंगे और इसे दम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैंने इसके नीचे फ्लेम बंद कर दी है, देखो। राइस बन के तैयार है। अब मैं इसे अलग से निकाल लूँगी। बॉयल राइस की रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।